तो दोस्तों आज की मूवी का नाम है अवेंजमेंट, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। तो चलो मूवी की शुरुआत होती है केन से, जो कि अपने बड़े भाई लिंकन से कुछ पैसे उधार मांगने पहुंचा। असल में लिंकन एक लोन शार्क था, जो कि लोगों को काफी पैसे उधार पर देता, लेकिन अभी उसने केन को पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि एक तो वो अपने फैमिली मेंबर को लोन नहीं देना चाहता था, क्योंकि उनसे वसूलना मुश्किल होता है ना, और दूसरा ये कि केन अक्सर पैसे डुबा देता था, इसलिए लिंकन ने उसे उधार देने से साफ मना कर दिया। जिस बात पर वो गुस्सा होकर जाने लगा, तो तभी लिंकन ने उसे रोककर अपने एक साथी से मिलने के लिए कहा कि तुम उसका कोई काम कर देना जिसके बदले में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जो कि तुम्हें कभी वापस भी नहीं करने होंगे। तब ये सुनकर केन उस आदमी हाइक से मिला, जिसने उसे एक औरत की फोटो देते हुए कहा कि कल ये औरत यहाँ आएगी तो तुम्हें बस इसका पीछा करके इससे ये नीले रंग का लिफाफा छीन कर हमें देना है, जिस काम के लिए केन भी 2 मिनट में मान गया। अब अगले दिन वो अपने मिशन के लिए निकला, जहाँ हमें पता चला कि ये महिला अभी अभी लिंकन के ऑफिस से कुछ पैसे उधार लेकर निकली है, जिन्हें लिंकन केन की मदद से वापस लेना चाहता था, ताकि ऐसे करके ये महिला हमेशा कर्जे में डूबी रहे। लेकिन इसके बारे में केन को नहीं पता था, इसलिए वो चुपचाप उस एनवेलप को छीन कर भागने लगा, जहां वो महिला भी उसका पीछा करने लगी। तब वो केन को पकड़ने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि उसने बिना रोड पर देखते हुए भागना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जल्दी एक गाड़ी ने इस महिला की आलू पूड़ी बांट दी। तब ये देखकर केन सदमे में आ गया कि उसकी वजह से कोई मारा गया, लेकिन अब वो कुछ कर पाता कि तब तक पुलिस ने उसे अपने अंडर ले लिया, जहां से वो उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आए। तो इधर केन की मुलाकात इस डिटेक्टिव ओहारा से हुई, जो कि लिंकन के इलीगल काम के बारे में सब जानता था कि कैसे वो अपने गुंडों से पैसे छिनवा कर लोगों को कर्जे में डुबा कर रखता है। तब केन ने यहाँ अपने लॉयर की मांग करी, तो ओहारा ने उसे लिंकन के खिलाफ गवाही देने की बात कही, जिसके बदले में वो उसकी सजा भी कम करवा देगा। लेकिन केन ने उसके इस ऑफिसर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने भाई के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से यहाँ एक सार्जेंट इवान केन को अकेले में ले जाकर बचाने लगा। तब एक पॉइंट पर आकर केन ने भी इवान को प्रसाद देना शुरू कर दिया, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो इवान से नहीं जीत पाया। तब उसे खूब मार पीट कर इन्होंने उस पर काफी चार्जेस लगाए, जिसके बाद उसे लंदन की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी जिंदगी के पकोड़े लगने वाले थे, क्योंकि जेल के पहले ही दिन उसके सामने ये टकला आकर खड़ा हो गया, जिससे केन कुछ कहता कि इतने में तो टकले ने उसकी बद्दोबद्दी शुरू कर दी, जो देखकर केन भी अपने असली रंग में आया, जहां उसने इस गंजे पटेल की खोपड़ी में बिना तेल और डंडे के ही इसका अंडा निकाल दिया, जिससे बीच यहाँ टकले के आदमी भी आ गए, तो उन सब ने मिलकर केन का बुरा हाल कर दिया, और बुरा मतलब नेक्स्ट लेवल बुरा। खैर तो अब उसे हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ उसके कुछ दांत टूट चुके थे, इसलिए डॉक्टर ने टूटे दांतों की जगह मेटल के दांत लगा दिए, जिससे बीच यहाँ उसकी माँ भी मिलने आई, तो वो अपने बेटे को जल्दी से छुड़ाने की बात कहने लगी, जिस पर केन ने पूछा कि क्या लिंकन उनकी मदद नहीं कर रहा, तो उसकी मॉम ने मना कर दिया कि लिंकन को तो सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, जो सुनकर केन के अंदर गुस्सा भरने लगा, क्योंकि वो यहाँ अपने भाई की वजह से ही फंस चुका था, इसलिए उसने जेल में रहने के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया कि अब अगर कोई उससे भिड़े तो वो दोबारा भिड़ने लायक ना बचे। अब ऐसे ही एक दिन 2 कैदियों ने आकर उसका सेल बंद कर दिया, जहां में पता चला
कि ये यहाँ चाकू लेकर आए थे, जिसका मतलब अब वो केन को मार के ही दम लेंगे। लेकिन जब बात अपनी जान की आए तो इंसान अपनी पूरी ताकत लगा ही देता है, इसलिए तब केन ने जैसे तैसे इन दोनों को संभाल लिया। जिसे बीच यहाँ गार्ड्स भी आए तो इन्होंने केन और बाकी कैदियों को पकड़कर इन पर और भी ज्यादा चार्जेस लगा दिए, जबकि केन कहता ही रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं थी। अब कुछ दिन बाद फिर से उस पर कुछ और कैदियों ने मिलकर हमला किया, जहां इस बार केन ने इस टट्टू वाले कैदी की आत्मा को निचोड़कर उससे सारी बात पूछी कि आखिर ये सब मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं, जिससे उसे पता चला कि असल में किसी ने केन के सर पर 20,000 पाउंड का इनाम रखा था, इसलिए सारे कैदी उसे मारना चाहते थे। जहां ये इनाम भी खुद उसके भाई लिंकन ने ही रखा था, जो सुनकर केन काफी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि अब उसे यही लगने लगा कि जो भी उसके पास आ रहा है वो उसे मारने ही आ रहा होगा, इसलिए वो हर वक्त काफी चौकन्ना रहने लगा। लेकिन तभी एक दिन इनके कलेश में किसी दिल जले कैदी ने केन के चेहरे पर तेजाब डाल दिया, जिससे कि केन का चेहरा काफी खिल उठा। लेकिन अब इस इंसिडेंट की वजह से दोबारा उस बेचारे को ही सजा मिली, हालांकि इससे बड़ी सजा उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि कुछ ही दिन में उसकी मां ने कैंसर की वजह से अपना दम तोड़ दिया। इसलिए तब केन पुलिस वालों के साथ आखिरी बार अपनी मां को देखने पहुंचा, जहां इस बार उसे लिंकन पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अगर वो इनकी मां का ध्यान रखता तो शायद वो जिंदा होती। इससे तब वो लिफ्ट में ही गार्ड्स पर हमला करके यहां से भाग गया, क्योंकि अब वो लिंकन से खुद बदला लेना चाहता था। लेकिन उससे भी पहले इसे वो सार्जेंट इवान दिखा, जिसने केन को बहुत मारा था, इसलिए अब इसने इवान का पीछा करके उसका भूत भर दिया, क्योंकि असल में इवान ने लिंकन को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी कि केन लिंकन के खिलाफ गवाही देने वाला है, जिसकी वजह से ही लिंकन ने खुद अपने भाई को मरवाने के लिए इतना बड़ा इनाम रखा था। हालांकि इस पूरे केस में लिंकन ही गलत है, क्योंकि उसने अपने भाई को जेल से छुड़ाने की भी कोई कोशिश नहीं करी। खैर, अब यहाँ अपना बदला पूरा करके उसने लिंकन को बर्बाद करने के लिए भी एक कांड कर दिया, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। बाकी अभी के लिए वीडियो को लाइक करके वो लिंकन के आदमियों के पास पहुंचा, जो कि एक बार में बैठकर चकबोदी कर रहे थे। तभी इनके लीडर निक ने बताया कि किसी अनजान आदमी ने इनके दो गैंगस्टर्स को रात के अंधेरे में मार दिया, जो कि असल में केन ही था, जिसने लिंकन तक पहुंचने के लिए उसके गैंगस्टर्स को चटकाना शुरू कर दिया। जैसे बीच इनकी बात सुनकर वो हंसने लगा तो ये लोग उससे भिड़ने उसके पास आने लगे। लेकिन तभी केन ने इन्हें एक बैग दिया, जिसमें खुद इनके ही साथी का एक हाथ था, जिससे ये समझ गए कि असल में वो रात वाला आदमी ये केन ही है, जिसने इनके दो आदमियों को बहुत बुरी तरह मार दिया था। तभी इस बीच यहाँ एक गैंगस्टर ने केन पर हमला किया, तो उसने यहाँ अपनी गन निकाल ली, जिसके बाद उसने इन सबके फोन बाहर निकलवा कर इनसे लिंकन को यहाँ बुलाने के लिए कहा। तब थोड़ी देर बाद यहाँ लिंकन आया, जो कि अपने भाई को जेल से बाहर देखकर काफी खुश होने का नाटक करने लगा, जहाँ वो बोला कि अब मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करके रखूंगा। लेकिन केन ने इन्हें सारे हथियार बाहर निकालने को कहा, जिसके बाद उसने लिंकन को सुनाना शुरू किया कि तुम्हारी वजह से ही जेल में मेरे ऊपर 6 बार चाकू से हमला हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर एसिड भी डाला, जिसकी वजह से अब मेरी ये हालत है, साथ ही तुमने तो हमारी माँ का भी ध्यान नहीं रखा। जिस पर लिंकन बोला कि नहीं, मैंने माँ का पूरा ध्यान रखा, लेकिन उनकी बीमारी ऐसी थी कि वो बच नहीं पाई। साथ ही जेल में जो तुम्हारे साथ हुआ वो अक्सर हर कैदी के साथ होता ही है,
इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तब इनकी बातों के बीच यहाँ की बारटेंडर ने केन पर हमला किया, जिसकी वजह से ये सभी लोग मौका देखते ही उस पर टूट पड़े। लेकिन केन जेल में रहकर इतना तगड़ा बॉक्सर बन गया कि उसने अकेले ही सबको बढ़िया वाला प्रसाद दे दिया, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ सिर्फ 3 लोग बचे, जिसमें केन, लिंकन और ये बारटेंडर। तब केन ने बताया कि उसने लिंकन को बर्बाद करने के लिए उसके अकाउंटेंट से लिंकन के सारे पैसे वापस उन लोगों के अकाउंट में डलवा दिए जिनके साथ उसने फ्रॉड किया था, जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। इसलिए तब वो केन पर शूट करता, लेकिन तभी इस गन में कोई गोली नहीं थी, जो देखकर बारटेंडर ने उसे एक चाकू दिया, तो लिंकन ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। हालांकि केन, जो कि अब डीमन केन बन चुका था, तो इसलिए उसने जल्दी ही लिंकन की रेड लिमका निकाल दी, जिसके बाद यहां उन लोगों को दिखाया गया जिनके अकाउंट में केन ने वापिस वो फ्रॉड वाले पैसे डलवा दिए थे। और साथ ही डिटेक्टिव ओहारा भी खुश हो गया, क्योंकि अब उसके बिना कुछ किए लिंकन का खेला हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हुई दोस्तों। और मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी छोटी थी, क्योंकि इस मूवी की ड्यूरेशन भी छोटी थी, तो मैं इसको ज़्यादा खींच कर बड़ा नहीं कर पाया। बाकी जैसी भी ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। और हाँ, जिस भाई ने भी अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो मेरे भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं कब ये सब्सक्राइब बटन एकदम फट जाए, तो इसलिए पहले ही सब्सक्राइब बटन दबा के रखिए। बाकी इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।